गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज की वीडियो मेरी खाना बनाने वाली नहीं है, आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचन के एग्जॉस्ट फैन से, कि जो कि बहुत ही चैलेंजिंग प्रोग्राम है। देखते हैं इसमें सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं। क्या है ना कि जो हमारे रूम्स के फ़ैन होते हैं ना, वो तो हम आसानी से साफ़ कर लेते हैं, मगर जो किचन के फ़ैन होते हैं ना, वो थोड़ा मुश्किल होते हैं। उसमें डर्ट, ग्रीस वगैरह, पूरा घी वगैरह लगा होता है, जिससे कि वो बहुत ही गंदा हो जाता है। कोशिश करते हैं ये साफ़ होता है, नहीं होता है, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, एंड तक मैं कोशिश करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जॉस्ट फैन क्लीन करने की वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी एग्जॉस्ट फैन की क्लीनिंग स्टार्ट, जद्दोजहद स्टार्ट हो गई है। तो देखिएगा कितना गंदा फ़ैन है। तो इस टाइम मेरे हस्बैंड साफ़ कर रहे हैं और हाथ में ग्लव्स वगैरह भी कुछ नहीं लगाया इन्होंने, तो ये पहले ही बैठ गए थे। इन्होंने क्या किया, गर्म पानी के साथ साफ़ कर रहे हैं, मगर वो नहीं हो रहा था पूरे तरीके से साफ। फिर उसके बाद हमने इसके जो नट वगैरह होते हैं ना, वो सारे खोले हैं, जिससे कि ये पूरे अच्छे तरीके से साफ़ होता है। तो इसमें ज़्यादा गंद है ना, तो इसको मैं नाइफ से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ये साफ़ नहीं हो रहा था। तो देखिए कॉर्नर कॉर्नर में जहाँ तक हमारा कपड़ा या स्टील वूल वगैरह नहीं जाता, वहाँ पे मैं चाकू की सहायता से कर रही थी। कितना मोटा मोटा गंद निकल रहा है, मतलब खुद को भी अजीब सा लग रहा था कि हम क्या चीज़ दिखा रहे हैं, इतनी गंदी चीज़ घर में है। पर कुछ हमारे को पहले ना हमने कभी साफ़ किया था ना कुछ किया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम एग्जॉस्ट फैन को साफ़ करें तो नीचे अखबार बिछा लें, जिससे कि हमारा फर्श बिल्कुल भी गंदा ना हो, और हाथ में ग्लव्स वगैरह लगा लें, कि जिससे हमारे हाथ बिल्कुल गंदे ना हो, क्योंकि इसमें ऑयल डर्ट बहुत कुछ फंसा होता है और जिससे हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। तो मेरे पास इस टाइम ग्लव्स नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने पॉलीथीन ही हाथ में लगाया है। तो देखिए कितना गंद निकल रहा है। तो मैं बारी बारी साफ़ कर रही हूँ, और जैसे ये गंदा हो गया है तो मैं इसको बारी बारी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि 3-4 बार ये अखबार चेंज करना होता है। और अब मैंने इसमें ली है परात, तो परात में मैंने डालूँगी सॉल्यूशन। तो ये देखिए कितना गंदा है, कहाँ कहाँ से साफ़ करना। तो ये मैंने डाला है इसमें गर्म पानी, तारपीन ऑयल, विनेगर, और हम इसमें बेकिंग सोडा डाला है, जो खाने वाला सोडा था, कैसे रिएक्ट कर रहा है। और ये शैम्पू है, हम शैम्पू भी डाल सकते हैं इसमें, मगर मैंने डाला है डिटर्जेंट, जो कपड़े धोने वाला सर्फ होता है, जिससे कि ये साफ़ हो जाता है। आप ये ऑप्शनल है, और मैं इसको मिक्स करूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया है फ़ैन, जो फ़ैन की पंखुड़ियाँ ना, उसको मैं हिला के कर रही हूँ, तो इसमें ये पूरा डिप नहीं हो रहा है, और डिप भी वहीं तक होना चाहिए जहाँ तक मोटर स्टार्ट ना हुई हो। तो बस मैं इसको स्पून की सहायता से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, कि ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर पानी चला जाए। और देखिए बिना कुछ हाथ लगाए कितना गंदा पानी हो गया है, मतलब अपने आप मैल निकल रहा है। तो ये परात मुझे छोटी लगी, तो मैं बड़ी परात लेके आई, क्योंकि चिरमची इस टाइम मेरे यहाँ पे नहीं है, वो नीचे स्टोर में रखी है। तो बस मैं इसके ऊपर भी डाल रही हूँ, मैं इनको बोल रही हूँ, ये रिंग भी पूरा नहीं जा रहा इसमें। तो इसके बाद मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, और मैं उसके साथ साफ़ कर रही हूँ इसको, क्योंकि पहले मैंने मोटे वाला जो गंद होता है वो चाकू की सहायता से क्लीन कर दिया था, और जो अब ये बचा हुआ है उसको मैं कपड़े के से कर रही हूँ, और मैं अब सूखे कपड़े से इसको पोंछ रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ ये फ़ैन चल भी रहा है या चल नहीं रहा, क्योंकि कई दिनों से ये ऐसा ही पड़ा हुआ था, और हम लोग सोच रहे थे कि इसको मतलब साइड में कर दे और दूसरा नया फ़ैन लेके आएंगे, मगर नहीं, हिम्मत कर ली है। मैं बताऊंगी कहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिली है। तो बस ये मैं जो इसका रिंग होता है उसको साफ़ कर रही हूँ मैं, और इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, जहाँ तक हमारे हाथ में नहीं जाता है, अब मैंने ले लिया इस टाइम स्टील वूल। मैंने जो भी घर में अवेलेबल था सब कुछ यूज कर लिया। मैंने इसमें टूथब्रश भी लिया है साफ़ करने के लिए, कि जहाँ पे टूथब्रश पहुँचेगा वहाँ पे ये स्टील वूल या कपड़ा नहीं पहुँचेगा। तो बस मैं कर रही हूँ इसमें साफ, बहुत ही चिपचिपा घी वगैरह होता है ना, कितने सालों का लगा हुआ होगा सोचो मत आप, कितना गंदा था। तो तकरीबन थोड़ा बहुत साफ़ हो रहा है, मैं बस बारी बारी इसको साफ़ कर रही हूँ। तो हाँ फ्रेंड, पहले तो हम ये सोच रहे थे कि हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, मगर गूगल में मैंने एक दिन देखा था कि एग्जॉस्ट फैन कैसे साफ़ करें, मतलब ग्रीसी चीज़ों को हम कैसे साफ़ करें। तो गूगल में मैंने देखा और मैंने सोचा कि आज ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक दिन मैंने फ्रिज भी साफ़ किया था, उसमें मैंने गूगल पे ही देखा था। तो हमारा फ़ैन साफ़ हो चुका है, इसमें इस टाइम मैंने डाला इसमें तारपीन का तेल।
तो तारपीन के तेल से मैं इसको एक बारी फिर फाइनल टच दूंगी। तो मैंने यहाँ पे साफ कपड़ा ले लिया है और वैसे चमक तो गया है, मगर मैंने सोचा कि जो थोड़ा बहुत और बचा होगा ना इसमें, तो मैं वो गंद निकल जाएगा, तो मैं बस फाइनल टच देने के लिए इसमें तारपीन ऑयल से साफ कर रही हूँ। तो देखिए चमक चुका है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया फैन है। तो बस ये देखो, ऐसे इतना गंद इसमें निकला नहीं था जितना मैंने सोचा था, तो मेरे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो गई है कि ये साफ हो गया है। तो बस मैं इसके सारे कॉर्नर वगैरह जो भी है इसके, और जो इसके नट वगैरह पड़े हैं उसको मैंने सॉल्यूशन में डाल दिया, क्योंकि उसके ऊपर भी गंद बहुत ज़्यादा होता है। और हाँ फ्रेंड्स, जो इसकी लीड होती है ना, स्टार्टिंग में उसके ऊपर टेप लगा लेना, वरना उसके अंदर पानी चला जाता है और ख़राब हो जाता है। और जो इसकी मोटर होती है ना, उसमें भी पानी मत जाने देना, वरना ये ख़राब होने का डर होता है। देखो ये पूरा चमक गया है जो आयरन वाला है, वरना ये पहले बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। तो बस जो ये इसकी मतलब पंखुड़ियाँ होती है ना पंखे की, उसको ध्यान से करना, क्योंकि ये हमारे फैन में तो ना प्लास्टिक की है, तो बस ध्यान से करना, ऐसा ना हो ऊपर नीचे ये मुड़ जाए। बस मैंने लीड वगैरह पूरी साफ़ कर ली है और सारे पार्ट्स में इसके साफ़ कर रही हूँ। अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि इसमें गंद बिल्कुल भी ना रहे। तो बस फाइनली ये साफ़ हो चुका है और देखने में भी बड़ा अच्छा, मन को सुकून मिल रहा था कि फाइनली हमने आज काम कर दिया जो बहुत मुश्किल लग रहा था। क्योंकि जो रूम वगैरह के फ़ैन होते हैं वो तो आसानी से साफ़ हो जाते, इतनी ग्रीस वगैरह नहीं होती, मगर ये जो एग्जॉस्ट फ़ैन है ना किचन वाला, ये थोड़ा चैलेंजिंग प्रोग्राम था और टाइम टेकिंग भी है। इसमें कम से कम हमारे 3-4 घंटे लग गए हैं, मगर कोई बात नहीं, जब हम सक्सेस हो जाते तो टाइम की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस इसे मैं कपड़े सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ और देखो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नया सा लग रहा है। तो जब ये सूख जाएगा ना, उसके बाद मैं एक और सॉल्यूशन से इसको साफ़ करूँगी, जिससे कि शाइनिंग आएगी। मैं बोल रही हूँ बिल्कुल रेडी हो चुका है, मतलब सक्सेस। तो यहाँ पे हम दोनों लगा रहे हैं नट, क्योंकि गुम होने का डर होता है, तो मैं इसको ना सेट कर लेते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे लगाने के लिए। फिर आपको भी मैं दिखाऊंगी कि हमने आज फाइनली एग्जॉस्ट फैन लगाया। इससे ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी किचन में, तड़का वगैरह लगाते थे सारे कमरों में चला जाता था, फ़ैन भी गंदे हो गए थे इसकी। तो बस ये फाइनली हमने इसमें लगा लिए हैं नट। तो देखिए आपको कैसे लगा ये मेरा क्लीनिंग का प्रोग्राम। तो बस ये लग चुके हैं हमारे नट, और ये देखो पूरा चमचमाता हमारा एग्जॉस्ट फैन हो गया है। तो बस इसमें मैंने ये विनेगर डाला है और मैं इसको कॉटन की सहायता से पूरा साफ़ करूँगी। तो जो हमने ये साफ़ करा था, थोड़ा सा डल सा लग रहा था, तो जो हम विनेगर लगाएंगे ना, इससे इसमें शाइनिंग आ जाएगी, ये तो बिल्कुल नया जैसा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरे पार्ट्स मैंने इसके साफ़ कर लिए हैं और बिल्कुल ये नए जैसा लग रहा है। तो बस ये बस लगाएं तो बस ठीक ठाक चल जाना चाहिए, देखो पूरा नया लग रहा है, सोचा नहीं था। और इसके पंखे भी ठीक ढंग से चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा एग्जॉस्ट फैन ना बहुत अच्छा साफ़ हो गया, मतलब मुझे उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना साफ़ कर पाऊँगी। पहले तो हम सोच रहे थे कि इसको मतलब डिस्पोज ऑफ कर देंगे, और हमने सोचा भी था कि हमने एग्जॉस्ट फैन लेके आएंगे, तो बीच में क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया, उसकी वजह से सारी शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी। तो हम सोच ही रहे थे क्या करें, क्योंकि किचन में मुश्किल होती है थोड़ी सी, कि खाना वगैरह बनाना होता है, क्योंकि मेरी चिमनी तो लगी नहीं हुई है अभी, तो वो भी टाइम आएगा, ज़रूर लगेगी। मगर एग्जॉस्ट फैन नहीं था, जिससे पूरी घर में स्मेल आ जाती थी जब तड़का वगैरह लगाते थे। तो अम्मा जी भी हमारे साथ रहते हैं, तो एकदम उनको मतलब खांसी छींके वगैरह आना स्टार्ट हो जाती थी। आज मैंने सोचा कि देखते हैं कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, तो मैंने गूगल पे ये सर्च किया था, तो मैंने उसी चीज़ों को अप्लाई करके ना मुझे बहुत अच्छा मतलब उसका जो रिज़ल्ट है ना मिला। तो बस आजकल ये हो गया है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो बस गूगल पे जाओ और सर्च करो। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइएगा आपको मेरी ये क्लीनिंग की वीडियो कैसी लगी। अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि आपको अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश करूँ मैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार में, फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल बटन है ना उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।